अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हम सोशल एंटरप्रेन्योरशिप को एज अ थर्ड सेक्टर इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे बाय थर्ड सेक्टर व्हाट डू आई मीन द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस एंड वर्क इज डिवाइडेड इनटू पब्लिक एंड प्राइवेट हम सब जानते हैं जब हम काम की बिजनेस की आ, बात करते हैं तो हम प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर पब्लिक सेक्टर इज़ रिप्रेजेंटेड बाय गवर्नमेंट जो सरकारी है प्राइवेट सेक्टर इज़ रिप्रेजेंटेड बाय बिजनेस बाय मार्केट गैर सरकारी जो है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप जो है उसमें बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स जो है वो इकट्ठा हो गया है उसमें सोशल एंटरप्रेन्योरशिप जो है बिज़नेस के टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करता है जैसे हमने पहले बात की सोशल एंटरप्रेन्योरशिप उन एरियाज में इंटरवीन करता है जहाँ गवर्नमेंट या तो अपनी सर्विसेज़ फ्राहम नहीं करती या नहीं कर पाती किसी वजह से और यही उसकी कामयाबी और उसके अलहदा होने का राज है इस लिहाज से हम उसको थर्ड सेक्टर कहते हैं पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर और इन दोनों से जो कोई अलग होगा जाहिर है एक दो और तीन थर्ड सेक्टर सोशल एंटरप्रेन्योरशिप को हम थर्ड सेक्टर क्यों गिनते हैं ये जानने के लिए हमें उसे गवर्नमेंट और बिजनेस से कंपेयर करना होगा यानी पब्लिक और बाकी के प्राइवेट सेक्टर से कंपेयर करना होगा सबसे पहले बात आ जाती है पैशन की सोशल एंटरप्रेन्योर्स हम शुरू से जब भी हम डिफाइन करते हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं रिकगनाइज करते हैं हम उनके पैशन की बात करते हैं उनके मिशन की बात करते हैं कि वो वो लोग हैं जो एक ख़ास जज्बे के साथ एक मिशन को ले निकलते हैं गवर्नमेंट्स पैशनेट नहीं होती गवर्नमेंट्स गवर्नमेंट्स होती हैं आराम से चलती हैं अपने तरीके से चलती हैं उनके लिए अपने रूल्स एंड रेगुलेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं लोगों की नस्बत वग़ैरह वग़ैरह इसी तरह बिजनेस हैं बिजनेस में अगर कोई पैशन होता है तो वो प्रॉफिट मेकिंग का होता है उन्हें इससे कोई दिलचस्पी नहीं कि उनकी प्रोडक्ट्स जो हैं वो माहौल के लिए माशरे के लिए फ़ायदा मंद हैं या नुकसानदेह तो ये जो पैशन का डिफरेंस है ये इसको बाकी दो सेक्टर्स पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर से सबसे पहले मुमताज़ करता है उसके अलावा कुछ डिफरेंसेस हैं फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट सेक्टर में जो तरीक़ाकार है काम करने का वो बहुत ही कम्बरसम इवन एडवांस्ड कंट्रीज की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स भी लिथार्जिक फाइलें बन रही हैं डायरेक्टर से डिप्टी डायरेक्टर डिप्टी डायरेक्टर से असिस्टेंट डायरेक्टर और फिर पता नहीं कहाँ कहाँ और क्या क्या और इसी तरह जो बड़ी कंपनीज हैं उनमें बॉस और बॉस और बॉस एक लंबा सिलसिला चलता है किसी काम को करने से पहले बोर्ड्स की मीटिंग्स होती हैं डिसीजन होते हैं उन पर कंसल्टेंसी की जाती है ये वो सोशल एंटरप्रन जो है उसको पता है कि वो जिन मसाइल पे काम कर रहा है उनकी नेचर बदलती है और वो लोगों के लिए नुकसानदेह हैं तो उसको जल्दी उसका हल करने की ज़रूरत है इसलिए वो लंबी चौड़ी फाइलों और बॉसेस और ऑर्डर्स के चक्कर में नहीं पड़ता उन ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रक्चरिंग ही ऐसे हुई होती है कि कामों को जल्दी से क्विकली किया जा सके उसमें ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस जो हैं वो इन्वॉल्व ना हों इसी तरह गवर्नमेंट के पास कंट्रोल होता है उसके पास कानून के ज़रिए से कंट्रोल होता है उसके पास रिसोर्स के ज़रिए से कंट्रोल होता है वो अपनी बात मनवाने के लिए कवानी का इस्तेमाल कर सकती है रिसोर्स को रोक सकती है बिजनेस या प्राइवेट सेक्टर के अपने रिसोर्स होते हैं उनके अपने एवेन्यूज़ हैं और उनके ज़रिए से वो अपना कंट्रोल एक्सरसाइज करते हैं माशरे के ऊपर सोशल एंट्रप्रनोर जो है वो कंट्रोल इस्तेमाल नहीं करता वो कोई अथॉरिटी नहीं है वो लोगों को कन्विंस करता है लोगों के साथ काम करता है कि किस तरह से उनके प्रॉब्लम्स जो हैं वो हल हो सकते हैं अगर वो उसके साथ ताउन करे उसके साथ चले इस लिहाज से जो गवर्नमेंट और जो बिजनेस हैं प्राइवेट सेक्टर हैं वो कम्पटिव और एडवर्सरियल जैसे एक मुखासमत होती है एक मुखालफत होती है कि जो मुकाबल है उसको बाहर निकाल दो कोई मुकाबला ना रहे और हम खुद ही सारा कुछ जो है वो करें जबकि सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में एक नई टर्म हम यूज़ करते हैं जिसे हम को कोऑपरेशन और कंपटीशन का मिक्स कोऑप्टेशन यूज करते हैं सोशल एंटरप्रेन्योर का फ़ायदा इसमें है कि सारे एंटरप्रेन्योर्स इकट्ठे होकर एक हो कोलैबोरेटिव एफर्ट करें ताकि सोशल प्रॉब्लम्स जो एक दूसरे से लिंक्ड हैं उनके आपस में कॉज और कॉन्सिक्वेंसेस के रिलेशनशिप हैं तो मिल के उनको हल करने में जो उनके स्केर्ट्स रिसोर्सेज हैं उन्हें वो एफिशिएंटली यूज़ कर सकें गवर्नमेंट ज़्यादातर चाहती हैं कि स्टेटस को कायम रहे यानी कोई तब्दीली ना आए लोग जैसे हैं वैसे रहें खामोशी से गवर्नमेंट के लिए कोई मुश्किल क्रिएट ना करें बिजनेस उसके मुकाबले में चेंज चाहते हैं लेकिन इस तरह की चेंज जिससे उनको फ़ायदा हो सोशल एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो चेंज चाहते हैं लेकिन इस तरह की चेंज जिससे मुआरा ट्रांसफॉर्म हो जाए लोगों को इतना पता चल जाए कि उनके कुछ हकूक़ हैं और वो गवर्नमेंट को और बिजनेसेस को अकाउंटेबल ठहरा सकें सोशल एंटरप्रेन्योर्स यह किस तरह करते हैं वो एक्विटी और स्टेबिलिटी uh, के ज़रिए से ये करते हैं एकवटी का मतलब है रिच और पुअर में जो गैप है उसको कम करना लोगों को बराबर लाने की कोशिश करना जब लोग लोगों में गैप ज़्यादा होता है तो उससे अमूमन वायलेंस डिसरप्शन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस पैदा होती हैं कोई भी खुश नहीं रहता कोई भी गेन नहीं करता अगर लोगों में डिस्टेंस कम हो वेल्थ के हिसाब से स्पेशली तो फिर वो आपस में लड़ते झगड़ते नहीं हैं चोरी डाका नहीं होता लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं होती तो माशरे में एक स्टेबलिटी आ जाती है जिसमें सब लोगों का जो सर्वाइवल है वो आसान हो जाता है थैंक यू